अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग जन दिवस के मौके पर सामाजिक न्याय विभाग ने पहली बार दिव्यांग जनों के लिए बड़े स्तर पर खेलकूद स्पर्धा का आयोजन किया। इस दौरान दिव्यांग जनों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के दिव्यांग जन सदस्यों ने शानदार मार्च पास्ट निकाला। इस दौरान विजेताओं को जिला पंचायत CEO नेहा मीणा ने पुरस्कृत किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोई अपनी तीन पहियों की साइकिल पर हौसलों से रेस जीत लेना चाहता था तो कुछ दृष्टि बाधित दिव्यांगों ने गोला फेंक अपना लक्ष्य साधने का प्रयास किया। ऐसे कुछ और खेलों में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के मौके पर जिले के दर्जनों दिव्यांग जनों ने अपने हाथ आजमाए। इस बार विश्व दिव्यांग जन दिवस पर थीम रखी गई थी सहभागिता, जिसके तहत ये पहली बार था कि REPTC पर दिव्यांग जनों के लिए कई तरह के दिव्यांग श्रेणी में खेलों का आयोजन किया गया था। आयोजन में ट्राइसिकल रेस, गोला फेंक, दौड़ का आयोजन किया गया और विजेताओं को मौके पर ही जिला पंचायत CEO के हाथों पुरस्कृत किया गया। और देखिए सर्वप्रथम तो मैं इस दिन के बारे में बता देती हूँ। आपको 1992 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था, जिसको भारतवर्ष में हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के नाम से मनाते हैं। इसको रिकॉग्नाइज करने के पीछे जो मूलभूत भावना ये थी कि जो दिव्यांगजन हैं उनकी उनसे संबंधित जितने भी इशू होते हैं उनको लोग समझें, उनकी समानता से संबंधित, उनके अधिकारों से संबंधित लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। ओवर द ईयर्स बहुत सारे स्टेप्स हैं जो वन बाय वन स्टेप्स लेके आगे सब चीज़ें बढ़ी हैं। हर बार अलग थीम होती है और जो इस बार की जो थीम है आज के दिन की जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिलीज़ की गई है वो है सहभागिता, उनकी सहभागिता से संबंधित। तो जब सहभागिता की बात होती है तो हम हमेशा जब भी हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो समावेशी विकास की हम जब बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सबको समानांतर अपॉर्चुनिटी दी जाए। इसीलिए आज ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना APTC ग्राउंड में हमेशा सामान्य बच्चों की भांति हमारे दिव्यांग जो बच्चे हैं वो भी परेड का उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले। यदि आपको याद हो तो दिवाली से पहले हमने एक दीपोत्सव करवाया था जिसमें 19 स्टॉल्स लगवाई थी इन बच्चों की, तो उसमें जो उत्साह, कॉन्फिडेंस और जो मोटिवेशन उन बच्चों को मिलता है उसके लिए आपको ज़रूरी है कि उनको बार बार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाए। जितना वो बाहर निकलेंगे और जितना वो दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे उतना ही उनके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है कि दूसरे भी उनके कॉज को समझ पाएंगे। मैं इस चीज़ को कॉज नहीं बोलूँगी लेकिन दृष्टिकोण समाज में बदलना बेहद आवश्यक है। लोगों को ज़रूरी है समझना कि इनसे संबंधित क्या चीज़ें हो सकती है। एक बच्चा है जिसको दूसरा कोई दिव्यांग की तरह दिख सकता है लेकिन उसके लिए वो सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है जबकि दूसरे के लिए वो सिचुएशन नॉन नॉर्मल हो सकती है। तो ये जो चीज़ है ये समझने में कुछ समय लग जाता है लेकिन ये समझना आवश्यक है। और मैं खुद भी आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगी कि जब मेरी इंदौर में पदस्थापना हुई थी CEO जिला पंचायत के बतौर सामाजिक न्याय इज़ वन ऑफ माई डिपार्टमेंट्स, तो जब मैंने इंटरेक्ट किया इलेक्शन कैंपेन के दौरान महेश दृष्टिहीन से, जब इंटरेक्ट किया इन सभी संस्थाओं से, जब मैं गई उनसे मिली, तब मैंने भी कुछ हद तक जाना और वो बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं वो मुझ में भी क्लियर हुई थी। मतलब पहले मैं इतना करीब नहीं थी लेकिन आज मैं इस कॉज के प्रति जितना करीब हूँ, जितना मुझे ये अपनापन सा फील होता है वो बेहद ज़रूरी है कि समाज के हर व्यक्ति को फील हो। सामाजिक न्याय विभाग के इस आयोजन में नेत्रहीन खिलाड़ियों का ब्लाइंड क्रिकेट भी होगा। वहीं अगले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। मंगलवार को हुई खेलकूद स्पर्धा के पहले दिव्यांग जन सदस्यों ने एक शानदार मार्च पास्ट निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।